नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज किया जाता है, और क्लास को इनहेरिटेड करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का यूज भी किया जाता है। इनहेरिटेंस में दो टाइप की क्लासेस होती है, एक होता है बेस क्लास। बेस क्लास को हम पैरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। एक होती है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस, पांच प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इनहेरिटेंस, सबसे फर्स्ट होता है इसका सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और फिफ्थ होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी एक डिराइव क्लास को इनहेरिट की जाती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन body of base class then curly bracket close। second class बनाए derived class name, access specifier यानी हम public रखना चाहते हैं, private रखना चाहते हैं या protected रखना चाहते हैं, specifier and base class का name, curly bracket open body of derived class curly bracket close करके इसको terminate किया जाता है। अब हम यहाँ पर derived class के through base class की property को inherit करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिराइव क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर और बेस क्लास का नेम डिफाइन किया गया। सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल से हम इसे समझे तो यहाँ पर हमने क्लास बनाई है एम्प्लॉय, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दो वेरिएबल बनाए हैं। पब्लिक वाइड गेट डेटा में हमने सी आउट करा दिया एम्प्लॉय आईडी को, सीन कराया एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम और सीन करा दिया एम्प्लॉय नेम, फिर पुट डेटा में हमने एम्प्लॉय आईडी और नेम को प्रिंट करवाया और देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर दिया। फिर सेकंड क्लास बनाई हमने क्लास फिटनेस। पब्लिक एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय वाली क्लास, फिटनेस वाली क्लास के थ्रू एम्प्लॉय वाली क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। फ्लोट हाइट एंड वेट, पब्लिक वाइड एक्सेप्ट, सी आउट करा दिया यहाँ पर एंटर हाइट इन फिट, सीन करा दिया हाइट, फिर एंटर वेट कराया और वेट को सीन करा दिया। उसके बाद वाइड डिस्प्ले हाइट और वेट को प्रिंट करवाया, देन ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट किया। उसके बाद इंट मेन डिक्लेयर किया, फिटनेस का एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी आउट एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, एफ डॉट गेट डेटा एंड एफ डॉट एक्सेप्ट डेटा, यानी गेट डेटा और एक्सेप्ट डेटा दोनों फंक्शन के मेंबर को एक्सेस किया। फिर सी आउट करा दिया एम्प्लॉय डिटेल्स आर पुट डेटा और डिस्प्ले डेटा फंक्शन से उसे प्रिंट करा दिया। तो पहले इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। पहले तो वो हमसे पूछेगा एंटर एम्प्लॉय डिटेल, तो हम ये सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद वो आपको प्रिंट करके देगा एम्प्लॉय डिटेल्स आर एम्प्लॉय आईडी इज ये, एम्प्लॉय नेम इज ये, हाइट इज ये एंड वेट इज ये। तो हमने दो दो वेरिएबल दोनों क्लास में डिक्लेयर किया और दोनों क्लास में की प्रॉपर्टी को एक साथ प्रिंट किया हुआ है। सेकेंड आता हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और डिराइव क्लास दो होती है, यानी बेस क्लास तो एक ही होती है, डिराइव क्लास दो होती है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास और एक ही डिराइव क्लास होती है, और मल्टी लेवल में एक बेस क्लास होती है और दो डिराइव क्लास होती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम, बेस क्लास बॉडी ऑफ बेस क्लास, फिर डिराइव क्लास वन, जिसके थ्रू हमने बेस क्लास वन को कॉल कर दिया, यानी बेस क्लास वन की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया। उसके बाद डिराइव क्लास टू बनाई और एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके क्लास डिराइव क्लास वन की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर दिया, बॉडी ऑफ डिराइव क्लास और क्लोज कर दिया। इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमने बनाया क्लास बेस क्लास, पब्लिक वाइड शो फंक्शन का यूज किया है और आई एम अ बेस क्लास इसमें मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर डिराइव क्लास में पब्लिक बेस क्लास वन को कॉल किया,
फिर void get function को use किया और I am a derived class 1 वो print कर दिया। फिर third हमने derived class 2 बनाया, public derived class 1 को call कर दिया और void display I am a derived class 2। फिर derived class 2 का object बनाया d, जो क्या करेगा access all data from derived class 2, तो वो सारे data को एक्सेस करने का काम करेगा। फिर डी डॉट शो, डी डॉट गेट और डी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले गेट और शो इन तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, रिटर्न जीरो कर दिया, तो हमें आउटपुट जनरेट करेगा पहले तो आई एम अ बेस क्लास, आई एम अ डिराइव्ड क्लास 1 और आई एम अ डिराइव्ड क्लास 2, इन तीनों क्लासेस को एक्सेस करके एक ही ऑब्जेक्ट और फिर हमें आंसर रिटर्न कर देता है। थर्ड आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से अधिक बेस क्लासेस हो सकती है और एक डिराइव क्लास होता है, यानी बेस क्लास बहुत ज्यादा बना सकते हैं और डिराइव क्लास हमारी एक ही होती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है बेस क्लास 1 बॉडी ऑफ बेस क्लास, बेस क्लास 2 बॉडी ऑफ बेस क्लास 2, फिर डिराइव क्लास बनाया जिसके थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके बॉडी बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 दोनों को कॉल करा दिया और बॉडी ऑफ डिराइव क्लास करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने क्लास ए बनाई जिसमें डिस्प्ले 1 फंक्शन को यूज किया और क्लास ए को प्रिंट कर दिया। फिर क्लास बी बनाई जिसमें डिस्प्ले 2 फंक्शन को यूज किया है और क्लास सी बनाई जिसके थ्रू हमने बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया है, पब्लिक डिस्प्ले 3 और सी आउट करा दिया सी। अब हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 1, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 2, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 3, इन तीनों को इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराया तो वह हमें आंसर प्रिंट करेगा क्लास ए बी और सी। हम एक ही क्लास से तीनों क्लास उन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक से अधिक डिराइव क्लास होती है जिसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम बॉडी ऑफ बेस क्लास, फिर डिराइव क्लास 1 बेस क्लास को कॉल करा दी, फिर डिराइव क्लास 2 उससे भी हमने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर दिया। बेस क्लास तो एक ही होती है और हम डिराइव क्लास अलग अलग बना के बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर सकते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज करके। हायरार्किकल का एग्जाम्पल हम देखें, हमने क्लास ए बनाई डिस्प्ले 1, क्लास बी बनाई डिस्प्ले 2 फंक्शन को यूज किया है जिसमें हमने पब्लिक ए वाली क्लास को कॉल करा दी, फिर क्लास सी बनाया जिसके थ्रू भी हमने पब्लिक ए वाली क्लास को कॉल करा दी, फिर हमने बनाया क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल बी, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल सी, तो सी डॉट डिस्प्ले 1 1 वाली क्लास को कॉल करा, फिर बी डॉट डिस्प्ले 2 और सी डॉट डिस्प्ले 3 और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे तो हमें प्रिंट करेगा क्लास ए बी और सी। बी क्लास भी ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर रही, सी वाली क्लास भी ए वाली क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर रही। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये पांचवा टाइप होता है और सबसे लास्ट टाइप होता है इनहेरिटेंस का। हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम बॉडी ऑफ बेस क्लास, फिर डिराइव क्लास के थ्रू बेस क्लास को कॉल करा, फिर डिराइव क्लास 2 बनाया उसकी प्रॉपर्टी को बॉडी ऑफ डिराइव क्लास लिखा, फिर डिराइव क्लास 3 बनाया जिसके थ्रू हम डिराइव क्लास 1 और डिराइव क्लास 2 दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड करेंगे और बॉडी ऑफ डिराइव क्लास लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका एग्जाम्पल देखे तो हमने यहाँ पे बनाया क्लास ए डिस्प्ले 1 फंक्शन यूज किया, क्लास बी के थ्रू ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया डिस्प्ले 2, फिर क्लास सी बनाया जिसके थ्रू डिस्प्ले 3 और क्लास 3 ले लिया, फिर क्लास डी बनाया उसके थ्रू हमने सी और बी इन दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया और क्लास डी को प्रिंट कर दिया, तो क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे और इसके थ्रू हमने चारों फंक्शन को एक साथ कॉल किया और रिटर्न जीरो कर दिया तो हमें क्लास प्रिंट करके देगा क्लास ए क्लास बी क्लास सी और क्लास डी। तो इस तरह से हम C++ के अंदर इनहेरिटेंस को यूज करके एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिटेड करवा सकते हैं। थैंक यू।